नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिशार प्रथम हेल्थ वेब चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ को स्वागत करुच्छे ऋतुपर्णा। तेरे दर्शक बंधु, प्रत्येक मनुष्य मन में कौन ना कौन जिनस डर और भय थाए, कि जोबले से डर और भय बढ़ी जाए आम भाबू कि से जिनटी कले आमको किए मारिदब, आम से जवा उचित नुहे, ए कामटे आमको करवा उचित नुहे। डाक्टरी भाषा कह से एक प्रकार मानसिक रोग, एवं से मानसिक रोगर जदि चिकित्सा न करा जाए ताहले मनीष कौन से काम करना, या डाक्टरी भाषा फोबिया कहा जाए। तेज फोबिया उपरे आलोचना करिबा पई आज आम सहित अच्छा ओडिशार अभिज्ञ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सम्राटकर सर। प्रिकॉशन फॉर हेल्थ को आपन को स्वागत करुची। सर, फोबिया ए नाटा सुनला आकु केमती भय लागुची, तेबे याकु कोन आबे मानसिक रोग कहि परबा? हाँ, फोबिया भी गोटे मानसिक रोग। एथरे कोन बे कोन से गोटे कार्य परिस्थिति स्थान वस्तु ए सब प्रति गोटे अहेतुक भय आसे, लोकटी छानिया लगे, गोटे जगह को जीवा को हटात एका जीवा को ताकू डर लगे, ताकू स्टेज ऊपर कहिया को डर लगे। ए सब होची गोटे 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 प्रकार फोबिया। तबे डॉक्टर कर समस्त को किछ ना किछ जिंस पई टिके डर एवं भय थाए, के असरपा के जीटीपीटी के पानी के ऊपर को चढ़ीबा के लिफ्ट रे जीवाई सब पई डरी थांदी, ताहले आकु कोना में मानसिक रोग कहबा? एटा भलो क्वेश्चन ने पचारले, केना फोबिया भय तो आमको भी अछि, किंतु जेतेबेले कोन हुए ना इत्ते डर लगुची जे मु जाई परुनी, गोटे जगह को मो चाकिर रे जिबार अछि, आज भुवनेश्वर जिबार अछि, मु एका बस रे जाई परुनी, सेतेबेले मु कहबी जे फोबिया हे गलानी, आपन को चिकित्सा दरकार, आपन तळु लिफ्ट रे ऊपर को जिबा को दरकार, किंतु देखला लो आपन एका लिफ्ट रे जिबा को डरुचंती, ताहले आपन को मानसिक चिकित्सा दरकार। तबे फोबिया रोग रो कोन-कोन कारण थाए? फोबिया को मानसिक रोग कारण हला एहा वंशगत हेतिबो, मानसिक चाप पड़िबो, ताले मस्तिष्क करतिबा स्नायुरस विभिन्न प्रकार स्नायुरस जेपर सेरोटोनिन गाबा डोपामिन ए सबुर विशृंखला हेले आमको फोबिया रोग होइताए। तेबे डॉक्टर कर जदि आमी फोबिया विषय रे आलोचना करिबा ताहले केते प्रकार रो फोबिया? आमे एमती कहिले बहुत प्रकार अछि, मु किंतु जोडा इम्पोर्टेंट से उडा कहिबी, जेपर हला अगोराफोबिया, आपण जदि गोटे सी जागा को एका जीवा को डरुचंती, भय लगुच, घर बाहर को जीवा छानिया लगुच, गोटे भिड़ भितर पशिगले हटात छानिया लगुच, छाती धड़धड़ हम, झाड़ बाहर जीव, पाटी सुखी जीव, हटात मरीगला भाया लगे, जमी लगे पाखे कि नहांती मु मरीजी सेमती लगे, जन जन कौन करती एका जीवे किसी कम नीजन सांग को लेकिन जीवे थाए कहती अगोराफोबिया। आउ गोटे है सोशियाल फोबिया, मुझे नॉर्मल कथा किंतु स्टेज जा कहला बेलू डर लगुच, गोटे ग्रुप रे कहला बेलू डर लगुच, मु बॉस को पाखे जा कथा होगा बेलू डर लगुच, किंबा एका जा परिसर कला बेलू भी डर लगुच, ताकू साय ब्लाडर बोली कहती, आकू कहती सोशियाल फोबिया। आउ अछि अक्रोफोबिया, जमी गोटे हाइट को जीवा डर लगे, उच्चा स्थान को जीवा डर लगे, अक्रोफोबिया कहती। आउ गोटे है क्लस्ट्रोफोबिया, गोटे रुंधी होइजिव, लिफ्ट भितर एका पशिगले, गोटे अंधार घर एका रहीगले हटात डर लगे, मरीगला भाया लगे, एमती विभिन्न प्रकार फोबिया सब अच्छे। तेज जन व्यक्ति जदि फोबिया रोग से आक्रांत होती यार चिकित्सा पद्धति कौन रही? प्रथम है आमको औषध देवा पड़ो, आग है छानिया कमिया को डर भय कमिया को औषध देवा पड़ो, तापर इटा गोटे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी दरकार, जहाँफल मनर भय भावटा दूर हो पार, ता छड़ा आम व्यावहारिक चिकित्सा पारिवारिक चिकित्सार नहीं पार। फोबिया रोग रो चिकित्सा तो अछि, किंतु जहाँ को फोबिया हे छि से निज आडू शीघ्र भल हवा पई कौन कौन सब पदक्षेप नबा उचित? जनकर अक्रोफोबिया अछि, गोटे हाइट प्रति फोबिया, गोटे उच्चा स्थान को गले ताको डर लगे, ताको आमे प्रथमे गोटे इमाजिन रे ताको नबा, इमाजिनेसन रे नबा, आगो रिलैक्स करिबा, जेपर योगा मेडिटेशन एमती रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, लोकटे रिलैक्स हवा उचित, तापर आमे त कहबा तू इमाजिन कर तते केते ताला गले डर लगे, मन कर ताको दसताला गले डर लगे, आमे कह तू मन मन तू भावे जे दुईताला को जाइछु, तू बर्तन पशी जाइछु, छाती तते छाती धड़धड़ होउछि, छानिया लगुछि, लोकटी को तो आठ ताला दसताला गले डर लगे, दुईताला रे किछि लगे नै, तापर ताको आमे कहबा तू धीरे धीरे मन मन इमाजिन कर, देखो दे गोटे सेसन रे होबनी, प्रति सप्ताह को दुईटा तीनटा सेसन नवा पड़े, गोटे सेसन आमे ताको दुईताला जाके नवा, पुणी नेक्स्ट सेसन तो कहबा तू इमाजिन कर दे तू चारिताला रे पहुँची गलुनि, तापर आउ किछ दिन पर इमाजिन कर जे तू छ ताला रे पहुँची गलुनि, तारे लोकटी इमाजिनेसन जेतल दस ताला रे पहुँची जीव, ताले प्रकृत रे भी सेटि गले डरिबो नाही,
ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଥଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ହେଲା, ଲୋକଟିକୁ ହଠାତ୍ ଡର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କକ୍ରୋଚ୍ ଲେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ସାପ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସାପ ପାଖକୁ ସିଧା ନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲଡିଂ କରନ୍ତି, ଆମେ ନେଇକି ସାପକୁ ଧରେଇଦେବୁ। ସେ ଦେଖିଲେ ସାପକୁ ଧରିଲା ତ କିଛି ହେଲାନି, ସାପ ତ କାଟିଲାନି, ତା ଡରଟା କମିଗଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରିକ ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଡକ୍ଟର କର, ମୋ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଫୋବିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ନିଜେ କେମିତି ଜାଣିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ପରିବାର ଲୋକ ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ଏକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ମଜା କରନ୍ତୁନି ଯେ ତୁ ଏକା ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ହେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଲୋକଟି କେବେ ତ ଜାଣିଶୁଣି କରୁନି, ଏହା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଯେ ଲୋକଟି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଚିକିତ୍ସା ନେବ, ଭଲ ହେବ, ତାପରେ ସେ ରେଗୁଲାର ଔଷଧ ଖାଇବ, ଡାକ୍ତର ଯେତିକି ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ଖାଇବ, ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେନି, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବେ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର କର, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଭୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏବଂ ଏ ଫୋବିଆ ରୋଗର ଅଧିକା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠିକଣା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ଫୋବିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଦି ବ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍, ପୁରୀଘାଟ ରୋଡ଼, ଉପର ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, କଟକ